मैं कॉलेज में करने क्या आया हूँ, अच्छा जो बाकी लोग कर रहे हैं क्या मुझे भी वही करना है, अच्छा जो बाकी लोग कर रहे हैं तो लाइफ का उसूल है कि भाई जिंदगी में ऊपर के 20% में आओ किसी भी डोमेन में, ऊपर के 1% में आओ तो बहुत ही बढ़िया चीज है। तो क्या मैं दोबारा इनके 1% में आगे आना चाहता हूँ, क्या यही जॉब है, इसी से मुझे प्यार मिल रहा होगा, क्या मैं इसी काम को जिंदगी भर करना चाहता हूँ, अच्छा मुझे डाउट है कि मैं करना क्या चाहता हूँ, क्या ये एक नॉर्मल चीज है। जब आप सवाल पूछना स्टार्ट करते हो, अच्छा ये बाहर ये व्यक्ति भी ठीक कर रहा है, ये काम क्या कर रहा है, अच्छा ये काम, अच्छा ये व्यक्ति तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, ये क्या काम कर रहा है, अच्छा इसने तो ये करा, इनसे मैं ये सीख सकता हूँ, इनसे मैं ये सीख सकता हूँ, इनसे मैं ये सीख सकता हूँ। उन चीजों को आपने लिख लिया, खुद ही बार बार रिवाइज कर लिया, जैसे कि आज आपने पन्नों पे ये चीजें करी हैं, तो वो व्यक्ति होता है यार। जैसे आप खाना खाते हो, ठीक है, थोड़ी देर बाद 3-4 घंटे बाद भूख लगने लग जाती है, पर भूख लगने के बाद अगर खाना ना मिले तो क्या मर जाएंगे? बिल्कुल नहीं मरेंगे। एक दिन निकाल दो, चाहे 2 दिन निकाल दो, 3 दिन निकाल दो, मरेंगे ही नहीं हम, क्योंकि पहले से फैट रिजर्व है। उसी प्रकार से आप चलते जा रहे हो सकता है 2 घंटे चलने के बाद आपके पैर दुख जाएं, तो क्या उसके बाद आपके घुटने नीचे गिर जाएंगे? नहीं, आप उसके बाद भी किलोमीटर के किलोमीटर चल सकते हो। उसी प्रकार से जब हमारे दिमाग में आता है कि यार मैं थक गया हूं, ऐसा बोलोगे तो थक जाओगे, पर वही आप बोलोगे मैं तो थकता ही नहीं। थकान जो होती है वो दिमाग के अंदर होती है, आपने बोल दिया मैं नहीं थकता, तो नहीं थकते। तो ये आपको समझाना पड़ेगा यार, गीता में जो चीज लिखी गई है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, आपको अपनी इंद्रियों का त्याग करना होगा। इंद्रियां हो गई, उसके ऊपर होता है मन, ठीक है, मन के ऊपर होती है बुद्धि। जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि पे कंट्रोल कर लिया, वो मन और इंद्रियों को ले जाता है साथ में। इंद्रियां तो यार कुछ भी कहेंगी, यार जीभ का स्वाद है, ये और करना चाहिए, ठीक है, रात को सोने का समय हो गया है, पर उठ के मैगी जरूर बनानी चाहिए, जिसमें 2 घंटे हम अपने और बर्बाद कर देंगे। पर वहां पे आपको कहना है नहीं, मन आपका क्या करेगा कि यार मैं लेट के पढ़ लेता हूँ, यार पढ़ना ही नहीं है, मैं तो सोना चाहता हूँ थोड़ा, और उस मन पे भी काबू लगाना पड़ेगा। सारे यार आपके ऑर्डर यहां से जाते हैं, इसको आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। पहले दिन में गिटार नहीं सीखते थे, पहले दिन में प्रोडक्टिविटी, जो ये माइंडसेट बनाया है, ये जो पॉइंट्स हैं, इनको रोज देख लो और फॉलो करना है। मैं कहता हूं कि यार अपना एक आइडियल टाइम टेबल बना लेते हैं ना, मान लो प्रभु स्वयं नीचे आते हैं और कहते हैं, हे बालक मैं तुम्हें ये शक्ति देता हूं, बताओ आप अपना एक दिन कैसे बिताना चाहते हो। अब उसमें ये मत लिख देना पिकनिक में घूमने जाना चाहता हूं। अगर अच्छे से एक स्टूडेंट की तरह आपको पढ़ना है, या अपना बिजनेस चलाना है, या अपने कॉलेज लाइफ चलनी है, तो क्या आपका शेड्यूल होना चाहिए? प्रभु मैं रोज सुबह 5 बजे उठना चाहता हूँ, 5 से 7 मैं अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए 1 घंटा पढ़ूंगा, 1 घंटा एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, 7 बजे के बाद प्रभु मैं ऑफिस के लिए निकलना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं अपनी क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं ये करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं ये करना चाहता हूँ। और ये जो शेड्यूल आपने बनाया है, इसको लिख ले और अगले दिन से इंप्लीमेंट करने का अपना 100% दे। होगा क्या? 100% नहीं होगा, पहले बात तो सोचो मत कि नहीं होगा, और अगर 80% भी हुआ तो वो एक सक्सेस है, क्योंकि पहले दिन में आगे कोई भी छक्का नहीं मारता, ठीक है, मार देते हैं, अब एक्सेप्शंस की बात मत करना, पर बोल्ड हो रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे आप 6 महीने के अंदर आप क्रिकेट को समझ रहे होते हो, तो हर दिन आप टाइम टेबल बनाओगे, हर दिन आप बनाओगे, आपके दोस्त नहीं बना रहे पर आप बनाओगे, ठीक है, ये है प्रोडक्टिविटी।